तो आप सभी का स्वागत करता हूँ पूरे अमेरिका की सबसे गरीब और शायद सबसे खतरनाक कंट्री भी हेती। हर आदमी जिसको भी हमने बताया एयरपोर्ट पे कि हम हाइती जाएंगे, सब बोल रहे थे वहाँ क्यों जा रहे हो, मरने जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो। भाई सड़क के दोनों तरफ इतनी ज्यादा गरीबी दिखने लग रही है। ये जो गार्ड भी था ना, इसने गेट के ताला लगा दिया था, कोई बाहर से अंदर ना आए, बार बार ऐसे आ रहे थे, परेशान कर रहे थे। एक ही एटीएम है, चल नहीं रहा, और ये मनी एक्सचेंज वाले भी चले गए क्योंकि कोई फ्लाइट तो आनी नहीं इंटरनेशनल। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। अभी बजे है सुबह के 6 और बहामा की कैपिटल नसा में हूँ मैं। अपने होटल जिधर मैं रुका था उधर से निकलने लग रहा हूँ बाहर और जाने लग रहा हूँ एयरपोर्ट की तरफ। एयरपोर्ट है यहाँ से करीब 2.5-3 किलोमीटर, यानी कि गूगल मैप्स पे दिखाते हैं 38 मिनट की वॉक है। एकदम सीधा प्लेन रास्ता नहीं है, थोड़ी सी ढलान सी भी है, चढ़ाई और फिर उतार। सामने मेरे बीच है, अभी अंधेरा हो रखा है, सनराइज शायद 1.5-2 घंटे तक होगा, अपन एयरपोर्ट पहुंचेंगे तब तक। आज मैं जाने वाला हूं हेती, जो कि एक और कंट्री है। हेती और डोमिनिकन रिपब्लिक आपस में बॉर्डर शेयर करते हैं, और हिस्पैनियोला जो आइलैंड है उस आइलैंड में वो है, जो कि क्यूबा के बाद सबसे बड़ा आइलैंड है वेस्ट इंडीज़ के अंदर। 2 दिन बिताए हमने यहाँ पे बहामाज में। यहाँ पे टैक्सीज और हर चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी है, हम ले भी सकते थे पर हमने सोचा चलो सुबह सुबह बैग टांग के निकल लेते हैं। अब से एग्जैक्टली 2 घंटे बाद हमारी फ़्लाइट है, पर यहाँ पे भीड़ नहीं मिलती एयरपोर्ट्स पे, तो पहुँच जाएंगे 1.5-2 घंटे के अंदर और फिर फ्लाइट बोर्ड करते हैं। ये सड़क है और मेरे राइट साइड में ये समुद्र है। ये देखो इसका बहुत खूबसूरत नज़ारा दिखता है, पर अभी तो अंधेरा है, और बहुत सुंदर समुद्र है वैसे यहाँ का। भाई लगभग 1.5 घंटा चलने के बाद एयरपोर्ट आई गए, एयरपोर्ट के काफ़ी नज़दीक हूँ मैं, रोड पे आ गए। एयरपोर्ट वाली गूगल मैप्स दिखा रहा था 38 मिनट, पर 28-29 मिनट में ही आ लिया। मैं नवांकुर भी आ रहा है पीछे होगा कहीं, चलते हैं अब एयरपोर्ट के अंदर चेक इन करते हैं। ये है भाई एयरपोर्ट, ये एक और गेट सिर्फ अमरीका जाने के लिए डिपार्चर्स, पर हमारी फ्लाइट अमरीका की नहीं है तो हमारा अलग डिपार्चर है। यहाँ पर टैक्सी से आपको 1 किलोमीटर भी जाना हो, मिनिमम जो रेट है वो $24 है, उसके अलावा $1 एयरपोर्ट यूज़ फीस है, तो यानी कि $25 आपको चाहे 1 किलोमीटर ही जाना हो। अब निकलते हैं अगले डेस्टिनेशन के लिए हाइती, बाकी काफ़ी खतरनाक कंट्री मानी जाती है। ये देखो भाई एयरपोर्ट के बिल्कुल एंड में आके अलग से है इंटरनेशनल डिपार्चर्स, यानी कि अमरीका की फ़्लाइट सारी एक तरफ और पूरी दुनिया की फ़्लाइट सारी एक तरफ, इसमें ही चलना है अपने को। सही बताऊँ तो मेरे को तो पता भी नहीं कौन सी एयरलाइन हमारी कौन सी फ़्लाइट है, बुकिंग्स वगैरह सारी नवांकुर कराते हैं। मैं बस टाइम पूछ लेता हूँ कब निकलना है कब पहुँचना है, वैसे सारा टाइम अकेले करना ही पड़ता है, पर ये होता मैं थोड़ा रिलैक्स हो जाता हूँ कि ये करता रहेगा। ये है भाई एयरलाइन इंटर कैरेबियन, बढ़िया बात यह है कि इधर ना खाली रहता है एयरपोर्ट और चेक इन काउंटर, इसलिए लेट आने का भी इतना फ़र्क पड़ा नहीं। अभी अभी आए हम और आगे हमारे ऑलरेडी सिर्फ 2 ही जने हैं। तो भाई चेक इन हो गया हमारा स्मूथली, बस उसने पूछा अपने निकलने की फ्लाइट वगैरह, दिखा उन्हें दिखा दी, हम तो लैंड बॉर्डर क्रॉस करके डोमिनिकन रिपब्लिक जाएंगे, फ्लाइट तो हमारी हेती से है नहीं, तो बोलिए कुछ मेरे को बाहर जाने का दिखा दो। फिर डोमिनिकन से मेरी फ़्लाइट है बुक, डोमिनिकन से मेरी फ़्लाइट बुक है कोलंबिया की, कोलंबिया से इंडिया की मैंने करा रखी है दिखाने के लिए कि मैं इंडिया जाऊँगा, पर इंडिया की मांगी नहीं, आगे मांग सकते हैं इमिग्रेशन में। 2 घंटे हमारा लेओवर है टर्क्स एंड केकोस में, जो कि एक ब्रिटिश टेरिटरी है ना, और इंटरेस्टिंगली वो वीज़ा फ्री हमारे लिए नहीं होती, तो क्योंकि हमें इमिग्रेशन क्लियर करनी है, इन्होंने इमिग्रेशन कार्ड भी दिया, तो अगर बाय चांस वीज़ा फ्री नहीं होता तो हम फंस के खड़े हो जाते हैं वहाँ पर। कुदरती दुनिया की सिर्फ उन कुछ ऐसी जगहों में से जिधर हम इंडियंस वीज़ा फ्री जा सकते हैं, हालांकि ब्रिटिश टेरिटरी है पर आप उसे यूके नहीं कह सकते क्योंकि यूके से तो बहुत दूर है। बाकी बैग करा दिए, 25.5 किलो का बोझ था वो अब उतर गया, ये 7.5 किलो का रह गया वैसे मेरे पीछे। मेरे बैग में मैगनेट थे 3 जमैका के, वो मैं वैसे बड़े बैग में रखता हूँ पर इस बैग में ही रखे थे, तो सिक्योरिटी स्कैनर में आ गए होंगे कि भी मैग्नेट है पता नहीं क्या है, तो उन्होंने बैग रुकवाया। पर यार यहाँ पे बहुत अच्छे थे एयरपोर्ट पे, खुद ही उन्होंने मेरा बैग खोला, मैग्नेट निकाली, बैग दोबारा स्कैन किया, मैग्नेट डाली, बैग पैक किया, यूँ कभी मेरे को हाथ ही लगाने थे, बोले चिंता ना करो सर हम कर देंगे, तो काफ़ी रिस्पेक्टफुल थे यार सिक्योरिटी वाले। तो यहाँ पे बोर्डिंग पास पे भाई लिखा नहीं था गेट और उसने हमें बताया ही नहीं फ्लाइट वाले ने। ये भाई अपनी प्रोविडेंशियालेस 815 इंटर कैरेबियन 271 गेट A7। चलो भाई पूरा खाली पड़ा देखो एयरपोर्ट, इधर ही हमारा गेट है, कोई सा कोई भी नहीं दिख रहा, गिनती के लोग हैं। अभी भी बोर्डिंग स्टार्ट नहीं हुई, मतलब अपन अबैंडन्ड एयरपोर्ट। 2 घंटे ये फ्लाइट उड़ने से 2 घंटे पहले तो घर से चले हैं और एयरपोर्ट में बोर्डिंग गेट पे बैठे, अभी बोर्डिंग भी स्टार्ट नहीं हुई और पैदल चल के आए हम लोग, लो 1.5 घंटा तो कमाल हो गया। आगे भाई बोर्डिंग गेट पे और छोटा ही प्लेन है वो देखो वो खड़ा, और जने मेरे ख्याल 16-17 है सिर्फ, 80 जनों का प्लेन है जैसा नवांकुर बता रहे। चलो भाई बोर्डिंग की तरफ, और भाई सारे लोग लाइन में तरीके से लगे हुए थे, यहाँ के लोकल ब्लैक्स भी, गोरा आगे बीच में लग गया, मतलब अपन मानते हैं कि भाई ये सिविलाइज्ड है वो है,
पर इन्हें कोई मतलब नहीं, सारे लोग लाइन बनाए खड़े थे बीच में आगे घुस के। ओके थैंक यू। छोटा प्लेन है भाई, 10 से 15 बोले। हाँ तो यहाँ 11 बैठे, 10 से 13 भाई। आगे तो इन्हें रख दिया सामान लोड करके, बाकी जगह सवारी बिठा दी हिसाब से कि ठीक से बैलेंस बन जाए, वेट डिस्ट्रीब्यूशन ठीक से हो जाए। तो आधे इधर बिठा दिया, आधे उधर खिड़की की तरफ, और आगे सामान लोगों को पीछे बिठा दिया। ये है भाई टर्क्स एंड केकोस आइलैंड्स का इमिग्रेशन फॉर्म, ये भरना है हमें, वहाँ पे जमा करना है। फ्लाइट में इन्होंने इतनी ठंड कर रखी है, लग रहा है अंटार्कटिका में आ गया, इतनी तेज एसी कर रखा है। तो मैंने सोचा खाली बैठा भी यही भर लेता हूँ, नींद आ रही है पर सो नहीं सकते, ठंड इतनी ज़्यादा है। ओके भाई सही सलामत लैंड। अभी वक्त हुआ है 9:41 और 11:45 पे हमारी अगली फ्लाइट हैती की टर्क्स एंड केकोस आइलैंड से, तो हम थोड़ी देर बाहर चले जाएंगे। बोर्डिंग पास हमें मिल ही चुका, 1.25 घंटा तो हम घूम सकते हैं बाहर। तो भाई ट्रांजिट का उधर ऑप्शन था, ट्रांजिट पैसेंजर इधर से आ जाओ तो हम इसमें आ गए, लेकिन ये अब दोबारा ये तो बोर्डिंग गेट्स आ गए इधर अगली फ्लाइट के लिए। हम आ गए एयरपोर्ट पे और हमने पहले तो पूछा कि हम बाहर जा सकते हैं क्या, तो सब बोले, मतलब क्रू से भी पूछा, बोले हाँ उधर से ट्रांजिट में गेट है बाहर जा सकते हो। फिर इधर भी पूछा आगे, तो बोले इधर से निकल जाओ। जैसे हम वो सिक्योरिटी गेट क्रॉस करे थे ना बाहर जाने के, तो बोले कि नहीं आपके बोर्डिंग पास पे लिखा हुआ इन ट्रांजिट आप बाहर नहीं जा सकते, आपको एयरपोर्ट पे ही रहना पड़ेगा। चलो भाई अब क्या इलाज है, कोई नहीं एयरपोर्ट पे रहते हैं। बाकी है ना 40 आइलैंड का ग्रुप है टर्क्स एंड केकोस आइलैंड्स, और नॉर्दर्न वेस्ट इंडीज़ में पड़ता है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में ही। कंट्री की बात करें तो यूनाइटेड किंगडम कंट्री के अंदर आता है। जी हाँ ये एक ओवरसीज ब्रिटिश टेरिटरी है। इधर के लोगों के पास पासपोर्ट भी ब्रिटेन का होगा ना, तो ये मतलब नेशनैलिटी इनकी ब्रिटिश है इधर के जितने भी लोग हैं। हालांकि कहाँ ब्रिटेन है और कहाँ ही है वेस्ट इंडीज़ में। इनकी कैपिटल तो वैसे है कॉकबर्न टाउन, जो कि जिसका एरिया सिर्फ 17 स्क्वायर किलोमीटर, आप हिसाब लगा लो कितना छोटा, और पॉपुलेशन है सिर्फ 3700 लोगों की, और वो पड़ता है टर्क्स एंड केकोस के नीचे थोड़ा साउथ ईस्ट में पड़ता है वो। लेकिन हम जिधर आए हैं वो है प्रोविडेंस आलेस, या फिर उसे प्रोवो भी बोल देते हैं। ये पड़ता है नॉर्थ वेस्ट, मतलब काफ़ी दूर है, काफ़ी दूर तो क्या छोटा सा देश है, पर उससे बिल्कुल अपोजिट है कॉकबर्न टाउन से प्रोविडेंस आलेस। इनकी लार्जेस्ट सिटी भी यही है, प्रोवो भी बोलते हैं इसे, प्रोवो आइलैंड। ड्राइविंग ये रोड की लेफ्ट साइड ही करते हैं अपने इंडिया की तरफ, और करेंसी है यहाँ की यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर, हालांकि ब्रिटिश टेरिटरी है कैरेबियन में है, और करेंसी है यूएस डॉलर। अब हम इंतज़ार करते हैं अपनी अगली फ्लाइट का, 2 घंटे बाद है वो बोर्ड करके पहुँचते हैं अपनी फाइनल डेस्टिनेशन हैती। होगी भाई बोर्डिंग स्टार्ट, वक्त हुआ है 11:23, 11:45 पे निकलनी है फ्लाइट, यानी कि अभी से 22 मिनट में। प्लेन वही है हमारा, उसी प्लेन में चढ़ना है दोबारा से। उधर बैग्स रखे हैं, हमारे ही बैग है, एक मेरा एक नमांकुरु का, एक तीसरा पता नहीं कौन है। भाई पूरे प्लेन में बैठ के सारे फ्रेंच बोलने लग रहे हैं, फ्रेंच शुरू होगी तो हैती के ही लोग हैं। वैसे तो इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज फ्रेंच और हेशियन क्रियोल है, यानी कि उधर की क्रियोल, और फ्रेंच बेस्ड क्रियोल है वैसे, क्योंकि फ्रेंच कॉलोनी थी अभी तो फ्रेंच बोलते हैं सारे। भाई ऐसे लग रहा है किसी मेड़े में आया हूँ और झूले पे बैठा हूँ, सारे लोग झूला झूल रहे हैं, तो प्लेन हिल रहा है, ऊपर से लोग ऐसे हैं सारे चिल्लाने लग रहे हैं, छोटी छोटी बात पे किल किया मारे। भाई स्वागत है अमेरिकास की सबसे गरीब कंट्री में। ओ भाई भयंकर गर्मी है इधर तो, भयंकर एकदम से एसी में से निकले ना बाहर, बहुत गर्मी फील हुई। ये एयरपोर्ट है भाई इनका, और ये अराइवल्स
बस इतना सही है। वो सामने उधर जाना है, पहाड़ वगैरह थे इधर बाकी रास्ते में जब लैंड होते दिख रहे थे। इमिग्रेशन होगी भाई और यहीं पे बैगेज का सा है आ गया मित्र। तेरा तो मेरा भी रहा। ये पड़ी भाई, ये इनकी बैगेज, मेरे कपड़े निकाल के। ये इनकी बैगेज बेल्ट है, बैग खुला है तेरा? ये पड़ा भाई मेरा बैग। अभी तक का सबसे इमिग्रेशन आ, कुछ भी नहीं पूछा कार हुए कहानी बताता हूँ आपको। बैग उठा लूँ पहले हम भाई, कस्टम्स इमिग्रेशन और बैगेज सब क्रॉस करके बैठे हैं बाहर एयरपोर्ट पे। पूरे एयरपोर्ट पे बस ये चार कुर्सी है बैठने के लिए और बिल्कुल छोटा सा एक मनी एक्सचेंज है, एक ATM जो काम नहीं कर रहा। बाहर निकलते ही एक आदमी आया आई कार्ड पहन के कि मैं टैक्सी देता हूँ ये वो। हमने उससे पूछा कितने, तो बोला $100, यानी कि $8,500 यहाँ से शहर तक के 6 किलोमीटर। उसी टाइम मना कर दिया मैंने। फिर बोला ठीक है 70 में ले चलूँ। हर देश की तरह जैसे गरीब देशों में थोड़ा होता है, तो फिर 70 में भी हमने मना कर दिया। पर हमने जो अकोमोडेशन बुक कराई थी ना Airbnb से, वो कैंसिल कर दी। अब पता नहीं होस्ट ने करी है या Airbnb ने करी है, ना कोई ईमेल आई ना कुछ हुआ, और उसका रिफंड भी नहीं आया। चलो वो तो बात की बात है, पर अब कोई जगह ही नहीं हमारे पास रुकने की। तुम कोई और अकोमोडेशन देख रहे हो और देख रहे हो नेट पर कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह का इधर हिसाब किताब है, तो क्योंकि $70 तो देने वाले नहीं हम टैक्सी। वैसे तो हेती की कैपिटल सिटी है पोर्टो प्रिंस, पर हम आए हैं कैपहेशियन, जो कि ये भी बड़ी सिटी है वैसे तो। और हेती की बात करें तो पूरे अमेरिकाज में सबसे गरीब कंट्री तो है ये, लेकिन ये थर्ड लार्जेस्ट कैरेबियन आइलैंड भी है। सबसे बड़ा तो है क्यूबा, एक सेकंड नंबर पे है डोमिनिकन रिपब्लिक, थर्ड पे है हेती। हिस्पैनियोला की सिर्फ हम बात करें तो हिस्पैनियोला एक आइलैंड है, वो क्यूबा के बाद सबसे बड़ा है। वो हेती और डोमिनिकन रिपब्लिक में डिवाइडेड है, तो डोमिनिकन रिपब्लिक हेती से थोड़ा बड़ा है, तो सेकंड नंबर पे सबसे बड़ी कंट्री वो है, थर्ड पे हेती। आइलैंड की बात करें तो जिस आइलैंड पे हेती है ये आइलैंड पूरे कैरेबियन में सेकंड नंबर पे सबसे बड़ा है आफ्टर क्यूबा। बाकी इसके अलावा साउथ वेस्ट में एक टेरिटरी है नवासा, जिसे हेती तो अपनी क्लेम करता है और US बोलता है हमारी है, डिस्प्यूटेड टेरिटरी है वो। एरिया इनका 28,000 square kilometers, और मैंने बताई दिया कि कैरेबियन की थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है। पॉपुलेशन इनकी 1 crore से थोड़ी सी ज़्यादा है, विच मेक्स इट द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द कैरेबियन, और यही शायद एक कारण है गरीबी का। उसके बारे में अपन आगे बात करेंगे वीडियो में, पर हम पहले टैक्सी और होटल का अपना वो रेजोल्यूशन ढूंढ लें। आवर टैक्सी इज ऑलरेडी कमिंग, इट्स ऑन द वे विद द होटल। ओके, या जस्ट अभी एयरपोर्ट से बाहर निकला हूँ मैं, और बाहर निकलते ही सारे लोग गिर लेते हैं, गाड़ी लेनी है, यहाँ चलो वहाँ चलो, जैसे कि आदमी भी आगे मेरे चिपक गया। फिर कोई नहीं, हमने जो होटल कराया वो आने लग रहे हैं, उन्होंने अपनी गाड़ी वाला और साथ में ड्राइवर भेज दिया, तो वो रास्ते में। और बाकी आपको मैं बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कोई आता नहीं, मतलब गुनाह इतने ज़्यादा है और मेरे ख्याल से कोई भी बिज़नेस ठीक से काम नहीं कर पाता, इसी वजह से शायद यहाँ पे कोई होटल्स है ही नहीं, बहुत गिने चुने होटल है, क्योंकि कोई ट्रैवलर आता ही नहीं। और जो हमने कराया ना, वही लगा लो इस सिटी का सबसे सस्ता होटल है जो हमने कराया, और उसकी कीमत है इंडिया के 5,500-6,000 rupees एक रात के। हमने 2 रात का कराया, 11,500 rupees कुछ है, मतलब देख लो सबसे सस्ता होटल हुआ है, तो कितनी महंगी है सारी चीज़ें। कारण ये है कि कोई आता ही नहीं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा एक तो गुनाह है और इतना महफूज नहीं है ट्रैवलर्स के लिए। ये आखिरी फ्लाइट थी जिसमें हमारी, यही फ्लाइट थी इंटरनेशनल फ्लाइट, और कोई फ्लाइट नहीं है। डोमेस्टिक फ्लाइट आएगी नहीं कैपिटल सिटी पोर्ट आओ प्रिंस से। इन्हें दिख रहा था कि मुर्गे फंस गए, लूट लो इन्हें। होटल हमने कराए थे Airbnb से, वो Airbnb ने कैंसिल कर दिया था किसी वजह से। नेट से ढूंढ के मैंने होटल कराया, और उन होटल वालों को बोला कि इस प्राइस में आपका एयरपोर्ट से पिकअप भी अवेलेबल है क्या, तो बोले नहीं उसके हम अलग से $20 लेते। तो मैं बोला कोई नहीं, आप गाड़ी भेज दो जल्दी, $20 हम दे देंगे। और वो होटल वाले भी व्हाट्सएप पे तो प्राइस बहुत ज़्यादा बता रहे थे, पर ऑनलाइन हॉस्टल वेबसाइट से मैंने बुक करा तो 11,500 में हो गया, उस वेबसाइट पर सबसे सस्ता दिखा था। डायरेक्टली होटल से कराओगे तो $105 का एक रात का था सबसे सस्ता कमरा उनका, यानी कि 17,000-18,000 rupees 2 रातों के, 2 जनों के। कोई नहीं, चलो इंतज़ार कर रहा हूँ मैं। बाकी ज़्यादा दूर मैं भी जा नहीं रहा, क्योंकि पहला दिन है इस देश में, कुछ नहीं पता क्या माहौल है, उस हिसाब से फिर रिकॉर्डिंग करेंगे आगे। मतलब शोर बहुत मजा रहे हैं आसपास, लोग फालतू में चिल्लाने लग रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, वो तेज तेज बोलते हैं सारे। एक ही ATM है, चल नहीं रहा, और ये मनी एक्सचेंज वाले भी चले गए, क्योंकि कोई फ्लाइट तो आनी नहीं इंटरनेशनल, और मतलब सब बंद कर दिया। ये जो गार्ड भी था ना, इसने गेट के ताला लगा दिया था, कोई बाहर से अंदर ना आए, बार बार ऐसे आ रहे थे, परेशान कर रहे थे कोई कुछ। बाकी प्लेन से हम जैसे उतरे और चले ना इमिग्रेशन की तरफ, तो दूर से इन्होंने हमें पहचान लिया एयरपोर्ट स्टाफ वालों ने कि ये यहाँ के नहीं है, टूरिस्ट है। दूर से हमें बोल दिया इस लाइन में लग जाओ, और उस लाइन में हमारे से पहले कोई नहीं था, ना हमारे बाद कोई नहीं आया था टूरिस्ट वाली लाइन में, क्योंकि इन्हें पता आता ही नहीं कोई टूरिस्ट। और 4-5 जनों का स्टाफ था, वही सब कुछ था, क्योंकि एक लेडी ने हमारी इमिग्रेशन की टूरिस्ट की टूरिस्ट अराइवल फीस लगती है पर पर्सन $10 जो हमने पे करी, 2 जनों की $20, तो उस लड़की ने हमारी ली, और वही लड़की आगे फिर चली गई थी बैगेज चेकिंग पे इमिग्रेशन के बाद में, और ना हमारे बाद कोई आया। तो उन्हें पता था बाकी बैग्स उन्होंने हमारे ठीक से चेक नहीं करे, ऊपर से देखे बोले जाओ, क्योंकि इन्हें पता है कौन टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे, इन्हें परेशान नहीं करते। बाकी ये भी अब स्टाफ वाले सारे जाने लग रहे हैं, सब कुछ बंद हो लिया, हम ही बैठे अंदर इंतजार कर रहे ड्राइवर का,
95% ब्लैक्स है, बाकी 4-5% या तो मिक्सड है या फिर वाइट्स है, वही है, मतलब मोस्टली यहाँ के यही लोग हैं। करेंसी है इनकी हेशियन गोर्थ, एक US डॉलर में 150 हेशियन गोर्थ के करीब होता है, 150 से थोड़े ज़्यादा आते हो, मतलब जमैका की जो करेंसी थी ऑलमोस्ट वही कन्वर्जन है इधर की भी। और एक इंडियन रुपये में 1.8 हेशियन गोर्थ होते होंगे। बाकी लोग सारे फ्रेंच बोलते हैं, इंग्लिश बोलता, मेरे को तक कोई नहीं सुना। टैक्सी वाले ज़रूर बोलते थे, यही जो फिक्स लाइन होती है, हम आपको ले जाएंगे, कितने पैसे दोगे इतने में ले जाएंगे। इनका GDP 2000 US डॉलर से भी कम है पर कैपिटा, मतलब बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, करप्शन है सरकार में और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, एजुकेशन कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी पुअर है, हेल्थ केयर अच्छी नहीं है और इसी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा। और काफ़ी हेती के जो लोग हैं ना वो एमिग्रेट बहुत करते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, मतलब देश से निकल। ये देखो भाई एयरपोर्ट के शीशे से मैं आपको दिखाता हूँ बाहर की दुकानें, खिड़की से सब दुकानों पे कितनी ज़्यादा जालियाँ और प्रोटेक्शन है, मतलब ज़रूर चोरी वगैरह काफ़ी होता होगा। और ये तो सेफ इलाका है, आप मान सकते हो एयरपोर्ट के बाहर, बिल्कुल एयरपोर्ट का, ये एयरपोर्ट का गेट है, ये एयरपोर्ट के बाहर की दुकान है। ये देखो कैसे, मतलब का रेंट अकार, ये तो चलो रेंट अकार है, ये देखो COVID-19 का ये वो टेस्टिंग का होगा जो भी, इस पे भी मतलब इतनी जाली प्रोटेक्शन, एक्सप्रेस का रेंटल, एविस भी है बाकी इधर का रेंटल, ये भी देखो पूरा जाली से ढका हुआ है। मतलब इससे आइडिया हो जाता है कि कौन देश कितना सेफ है कितना खतरनाक है। मैं तो ऐसे ही हिसाब लगाता हूँ हर चीज़ पे, मतलब जैसे आप देख सकते हो जालियाँ और कितनी सिक्योरिटी ताले। सोचो एयरपोर्ट के अराइवल को बार बार ताला लगाना पड़ रहा हो गार्ड को, मतलब कोई जब भी जा रहा है उसके लिए ताला खोलेगा फिर वो बाहर जाएंगे, मतलब किसी देश के एयरपोर्ट में सोच सकते हो, मतलब काफ़ी अजीब सा लग रहा है। देखो फिर ताला लगा दिया इसने पीछे ताकि कोई और ना आए, लूटपाट ना हो जाए जो भी। भाई एक गाड़ी वाला आया तो है, उन्होंने कहा था कि ना होटल की टी शर्ट पहन रखी होगी उसने। भाई होटल वालों का मैसेज आया कि जो ड्राइवर है वो गेट के बाहर खड़ा है। एसी तो था यहाँ? हाँ इधर एसी, अपने होटल में एसी नहीं है ना शायद। कैन यू प्लीज, या थैंक यू मर्सी। भाई दिख रहा है ड्राइवर, ये है क्या, शायद वो ही था वो काली गाड़ी में जो आया था। हे मैन, हेलो, बोंजोर, होटल हबितासियन, ओके परफेक्ट। बाकी भाई जरूरी नहीं, गरीब देश है खतरनाक है तो हर आदमी बेकार होगा ऐसे। थैंक यू सो मच। हर आदमी बेकार होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है भाई। सोमालिया में आपने देखा खतरनाक देश है लेकिन लोग कितने अच्छे थे, सीरिया में आपने देखा ऐसे लोग तो मैंने दुनिया में कहीं देखे ही नहीं। तो ये कोई ज़रूरी बात नहीं देश गरीब है या खतरनाक है तो हर आदमी बेकार है, ऐसे देशों में बल्कि बहुत बढ़िया लोग भी मिलते हैं। तो देखेंगे अपना एक्सपीरियंस कैसा होगा, अपना सफ़र कैसा होगा। गेम्सी, नाइस टू मीट यू, यू स्पीक फ्रेंच? क्रियोल, क्रियोल, ओके। तो इनकी ना ऑफिशियल लैंग्वेज दो है, एक तो फ्रेंच और एक हेशियन क्रियोल, मतलब सर नो फ्रांसिया सोलो इंग्लिश स्पेनियल ओके। तो बोल रहे कि मैं सिर्फ फ्रेंच बोलता हूँ और क्रियोल बोलता हूँ, लोकल लोग क्रियोल में बात करते हैं। इनकी जो क्रियोल है वो ऑब्वियसली फ्रेंच बेस्ड ही होगी क्योंकि क्रियोल इंग्लिश की भी होती है, जैसे करेबियन कंट्रीज मोस्टली ट्रिनिडाद एंड टोबैगो बारबाडोस सबकी अपनी अपनी क्रियोल है, तो वो इंग्लिश बेस्ड क्रियोल। आपको नहीं बताते बेसिकली ब्रोकन इंग्लिश है एक तरह से। भाई एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही लग रहा है किसी बस्ती सी में आ गए सही में, मतलब गरीबी बिल्कुल साफ साफ दिख रही है इन लोगों की कमाई, मतलब देख लो पूरे अमेरिकाज में, कैरिबियन में, नॉर्थ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में सबसे गरीब है, दिख रहा है वो। अभी तक मैंने नॉर्थ अमेरिका ऑलमोस्ट पूरा ट्रैवल कर लिया, कैरिबियन पूरा ट्रैवल कर लिया, मतलब इस देश में अलग से ही दिख रही है गरीबी। और ये जो कॉन्टिनेंट है पूरा नॉर्थ अमेरिका बेसिकली बहुत महंगा कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे आप इंडिया के 2-3 गुना भी कमाते हो तो कम है इस कॉन्टिनेंट में, लेकिन यहाँ पे इंडिया से भी कम कमाई है बेसिकली, देख लो कैसे गुजारा करते हो। ये ना मेरा 54वां देश है और अब इतना ट्रैवल कर लिया कि किसी कंट्री में जाए बात कुछ अजीब सा लगता नहीं अलग सा, मतलब थोड़ा बहुत हम कैमरे पे एक्स्ट्रा दिखा दे जैसा कि हमें लगना चाहिए था तो हम दिखा देते हैं, और आमतौर पर कोई ऐसे खास नहीं लगते क्योंकि इतने देश ट्रैवल कर लिए हर देश किसी ना किसी से मतलब लगता ही है। इस देश में आगे भाई मेरे को लग रहा है कि ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा, बहुत ही डिफरेंट है यार। ऑटो चल रहे अपने इंडिया की तरह, और गरीबी, धूल मिट्टी,
अलग ही है भाई ये जगह। खिड़की इस तरफ समुद्र है, लेकिन समुद्र से ये खिड़की नहीं खुलती, गाड़ी की नहीं, आपको दिखा देता। समुद्र से पहले इधर कचरा पड़ा है बहुत सारा, और बस यही कुछ नज़ारे है सामने देख लो आप। सड़क के दोनों तरफ इतनी ज़्यादा गरीबी दिखने लग रही है, और हर आदमी जिसको भी हमने बताया एयरपोर्ट पे कि हम हाइती जाएंगे, हर एयरपोर्ट का स्टाफ है जो भी, सब बॉर्डर से वहाँ क्यों जा रहे हो, मरने जा रहे हो क्या, क्या करने जा रहे हो वहाँ। होटल के काफ़ी नज़दीक आ गए हम, वैसे तो पूरी बस्ती तो क्या कहूँ मैं, ये ऐसी है सिटी शायद पूरी, क्योंकि एयरपोर्ट से लेके यहाँ तक सब ऐसा ही दिखा, पूरी यहीं पे जो होटल था उसकी लोकेशन थोड़ी ठीक दिख रही थी फोटोज में तो, पर है तो इधर ही। और इसके $20 हमारे और हमारे $20 लगे एयरपोर्ट से आने तक के, 1700 रुपये, 4 ही किलोमीटर था जबकि। भाई ये कड़े लावेगा गाड़ी ने, पीछे रह गया वो तो अपना किशोर गेट पे लेके जाएगा क्या? नहीं नहीं, वहाँ पे एरो लगा हुआ था कि यहाँ से। अच्छा, मतलब ठीक जाने लग रहे, दिखा रहा था होटल का एरो था इसने पहले, मैं वो दिखाया कि इधर है, ताकि हमें यूं ना लगे कि गलत लेके जाने लग रहा है किसी, क्योंकि देखो ये कैसी कैसी गलिया सी है भाई, और फिर पहाड़ी सी है। ये है भाई होटल, फाइनली मतलब एक गेट चढ़ाई, अजीब सा ही है भाई ये तो सिस्टम, नीचे उतरना ही बहुत मुश्किल है। हाँ, नीचे जाएंगे वो सोचेंगे आगे मुर्गे लुटो। बस्ती सी में है, बस्ती है क्योंकि कोई और आता ही नहीं होगा, पैदल कोई जाता ही नहीं होगा, सारे गाड़ी लेके निकलते होंगे टूरिस्ट, अगर कोई आता भी होगा तो। ये ड्राइवर भी सोच रहे हैं बहुत बड़े कोई बिजनेसमैन या कुछ है, क्योंकि टूरिस्ट तो कोई आता नहीं, पर इसे क्या पता हम भी भूखे नंगड़ी है। इट्स हैवी भाई, उठा लिया इसने तो, इनके जेनेटिक है भाई, मतलब इसने दिखाया था पहले कि मैं तुम्हें ठीक लेके जाने लग रहा हूँ, ताकि होटल का साइन बोर्ड दिखाया कि गलत जगह तो नहीं जा। होटल ऊपर बढ़िया है भाई, ये देखो इधर से शहर दिख रहा है, इधर एक ये बारिश है और इधर रिसेप्शन सी है। अरे यार होटल तो सही है, पैसे भी तो सही है, पैसे भी उस हिसाब के, पर सबसे सस्ता होटल ये इनके देश में। तो भाई काफ़ी देर की कन्फ्यूजन के बाद फाइनली हो गया, क्योंकि इन्हें ना हमारी बुकिंग मिलने ही लग रही थी, दरअसल हमने डायरेक्टली नहीं कराया था, हमने होस्टल वाले से कराया था, उसके बाद ये कई देर ढूंढे गए, इनके सिस्टम में आ नहीं रहा होगा क्योंकि कोई आता ही नहीं होगा, कौन कराता होगा, डायरेक्टली कराते होंगे जिन्हें आना भी होता होगा, तो वैसे भी होस्टल वाले सिर्फ ट्रैवलर्स यूज़ करते हैं। उसके बाद लेकिन हमने यहाँ बहुत सस्ता करा लिया, और हमने ये अक्के पक्के रह गए, इतना सस्ता कैसे करा लिया, क्योंकि उस साइड पर इन्होंने प्राइस शायद अपडेट नहीं किया होगा। अब यहाँ से कराते जितना एक रात का यहाँ पे कराते उतना हमारे उस वेबसाइट पे 2 रात का हो गया, बाकी अब हमने $30 की करेंसी एक्सचेंज करा ली, एशियन गोल्ड, और $20 टैक्सी के देने थे वो दे दिए, टोटल $50 दे दिए, और $110 मैंने कार्ड से पे कर दिए, $19 का मेरा होटल का कुछ डिपॉजिट कार्ड से कट गया था, तो $130 में 2 रात का हमारा होटल हो गया 2 जनों का, जिसमें ब्रेकफास्ट भी मिला हुआ। तो ये अक्के पक्के रहेगी, होटल काफ़ी सही है बाकी इधर के हिसाब से तो, बहुत सही रेट है। बाकी है भाई यहाँ की करेंसी एशियन गोल्ड, ये 50 का नोट, यानी कि इंडिया के 30 रुपये हुए, हमें 30 रुपये और, मतलब इनके 50 रुपये और लेने हैं, बाद में भी इनके पास नोट नहीं है, चलते अभी कमरे में। कमरे की चाबी मिली है भाई, हमारा 15 नंबर कमरा है, और सही है यार, मतलब देखो हाइती, मतलब देखा ही आपको मैंने दिखाया बाहर, गरीबी सी थी, थोड़ी गंदगी थी, लेकिन ये होटल तो काफ़ी मस्त है, और करकुरा के हमें बहुत सस्ता ही मिल गया, और इधर से नज़ारा, हालांकि गरीबी दिख रही है, स्लम्स वगैरह इनके दिख रहे हैं, लेकिन समुद्र का खूबसूरत नज़ारा भी दिखने लग रहा है। और चल के अपन अभी थोड़ी देर आराम कर लेंगे, कल अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे इस सिटी को, परसों भी शायद यहीं रुके, अच्छे से आसपास घूमेंगे, देखते हैं जो भी सब होएगा। मैंने इनसे पूछा कि भी सेफ़ है क्या सड़क पे ऐसे चलना और ये सब, तो बोल रहे थे हाँ बस फ़ोन का ध्यान रखना, मैं बोला
फ़ोन हाथ में लेके चलेंगे तो बोले ध्यान रखना कोई छीन ना ले ये वो। और बाकी मैंने पूछा किडनैपिंग्स वगैरह, क्योंकि ऐसे देशों में स्पेशली वेस्ट अफ्रीका में तो बहुत कॉमन है किडनैप कर देते हैं टूरिस्ट को। और तो वैसे ही मैंने पूछ लिया, बाकी हमने इतने देश घूम लिया, अब हमें समझ तो है, इतनी तो अकल है ही क्या करना है क्या नहीं, और इतने बेवकूफ़ भी नहीं है, पर पूछने में कहा जाता है। तो बोले कि भी इस पार्ट में थोड़ा सेफ है, बाकी और पार्ट्स में तो फिर भी हो जाते, इधर इतना नहीं है। और यही है, चल के बैग वगैरह रखते हैं, अपना आराम करते हैं। देखो गरों की छतें वगैरह इधर से दिख रही है, ये एक बकरी सी है। और इनकी करेंसी ना 2021 से पहले मतलब एक $1 में 60 एशियन गोद थे, और अभी ये है 150 से भी ऊपर, मतलब 2.5 गुना से ज़्यादा इनकी करेंसी गिर गई पिछले 2 सालों के अंदर अंदर। मतलब एकदम इनकी इकोनॉमी इन्फ्लेशन बहुत होती जा रही है बेसिकली। जो भी भाई मेरे को तो सही लगा देश, ऐसे यूँ नहीं लग रहा कि भी निकलो नहीं है तो। लोग जैसे फ्रेंडली से लगे अभी तक तो जितने भी लगे, और गरीब भी तो है तो भाई क्या कर सकते हैं, कोई नहीं, आराम से बाद में एक्सप्लोर करेंगे, अभी आराम करते हैं। ऊपर आ गया भाई मैं कमरे की तरफ, 15 नंबर अपना कमरा है, शायद नवांकुर ऑलरेडी आ गया। अरे बहुत बड़ा है भाई ये तो, एसी भी लग रहा है इसमें तो। ये भाई इसका मेन्यू रेट आप देखो, सारा मेन्यू फ्रेंच में है, इंग्लिश कोई आता ही नहीं बोलने वाला। देखो मतलब सस्ता है जिन जगह से हमारे उससे कंपेयर करते, तो इंडिया से तो महंगा ही ऑब्वियसली, US डॉलर्स है तो 85 से मल्टीप्लाई कर लेना, ये 850 रुपये का है। पर कुछ सस्ती चीज़ें भी है, $5-7 की भी चीज़, जैसे इधर देखोगे हैमबर्गर वगैरह 500 रुपये का, जो कि मतलब इतना महंगा नहीं है, क्योंकि हम जिन देशों में ना इस पार्ट में नॉर्थ अमेरिका में सब कुछ ही बहुत महंगा है, इंडिया में तो चलो इससे सस्ता होगा पर इधर के हिसाब से नहीं इतना महंगा। और ये तो 4-star होटल है, बहुत महंगा। थैंक यू। ये है भाई मेरा चिकन सैंडविच जो कि था $7 का अपने इंडिया के, 550 रुपये का। ये इसकी स्पैगेटी $6 की अपने इंडिया के 500 रुपये की। चलो भाई खाते हैं।